एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम जो कि है RVS मोटो कॉर्प। तो आपको एड्रेस और नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जिस बाइक का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो तो आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा। तो अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको बताऊंगा सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में उस वीडियो की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और देखते रहिए आर्य ब्लॉग्स। तो अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बाइक का रिव्यू। हमारी बाइक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, तो आज का रिव्यू आज इसी का रिव्यू करने वाला हूं। बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, BS6 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पावर और टॉर्क फिगर्स ही लेके आती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि ये बाइक भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है हम इंडियंस के लिए। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो जो बुलेट लवर्स हैं सभी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और देखते रहिए आर्य। मिल जाते तो अगर फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो आपको हैलोजन लाइट सामने देखने को मिल जाती है, बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत प्यारा लुक दे देते हैं बाइक को, हमेशा से ये लुक आता है और ये रेट्रो टाइप जो लुक है इस बाइक का बहुत प्यारा लगता है। हमेशा अगर फ्रंट से स्टार्ट किया तो आपको 90x90 सेक्शन का 19 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, जो कि आते हैं अलॉय के साथ। BS6 में अलॉय आने लगा, अलॉय का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, बहुत प्यारे लग रहे हैं अलॉय। जो इनका डिजाइन है काफी ज्यादा यूनिक दिया गया, काफी ज्यादा अच्छा दिया गया। साइड में आपको ये रिफ्लेक्टर्स दिख रहे होंगे जो कि पता चल जाता है कि ये बाइक BS6 में आ चुकी है। BS6 में आने के बाद सभी बाइक्स में आपको जो भी यहाँ पे सस्पेंशन होते हैं उसमें आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए बाइक के फ्रंट ब्रेक्स के बारे में तो आपको 280mm की डिस्क देखने को मिल जाती है फ्रंट में, जो कि उस साइड आपको दिख रही होगी। जो डिस्क की डिज़ाइन दे रखी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है, ये 280mm की डिस्क दे रखी है। इसमें आपको ABS की लाइन, आपको ABS का सेंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये ABS की लाइन जा रही है, इसका मतलब है कि आपको इसमें ABS भी देखने को मिल जाता है, वो भी सिर्फ सिंगल चैनल नहीं है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है BS6 में आने के बाद। बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से आपको फुल सेफ्टी दी जा रही है, अच्छी बात है। अगर आपको मशीन अच्छी दे रहे हो, आप पावर अच्छी दे रहे हो तो आपको इसमें सेफ्टी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो डुअल चैनल ABS उसके लिए आपको इसमें देखने को। बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 35mm के फोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैवल है इनका, सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपको कैसे भी रास्ते में चलाओ, अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पर भी लेके जा रहे हो, आप इसको रोड्स पे भी चला रहे हो, कंफर्ट आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलने वाला है, कोई भी आपको कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वही अगर आप बात की जाए बाइक के हर्ड बाइक के इंजन के बारे में, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा पूरी क्रोम फिनिश के साथ ही इंजन आता है, 350cc का ये इंजन है। टू बी स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ आपको तो 346cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अब आता है EFI के साथ, यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे इसको कवर कर दिया गया पूरी अच्छी तरीके से, यानी फ्यूल इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो बाइक की जो छोटी छोटी डिटेलिंग है उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया। यहाँ पे आपको इसका कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल रहा होगा, ये रहा इसका कैटकॉन, इस तरफ इसका O2 सेंसर, ये रहा इसका O2 सेंसर देखने को मिल जाता है, यानी BS6 नॉर्म्स को ये पूरा फुलफिल करने वाली है। बट जो भी पटाखे फोड़ने वाले थे उनको एक प्रॉब्लम होने वाली है, BS6 में अब ये पटाखे नहीं फोड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। जो बुजुर्ग है उनके कानों को परेशानी नहीं होने वाली है, बट हाँ जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा बुरा लगेगा कि पटाखे अब ये बाइक नहीं फोड़ेगी। अब अगर आगे चलते थोड़ा सा रियर की तरफ चले हम इस बाइक के, तो रेयर में आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है। अब ये नाइट्रॉक्स ये गैस चार्ज आने लगे हैं, पहले ये नॉर्मल सस्पेंशन आते थे, अभी गैस चार्ज आने लगे, इसका मतलब है कि पहले से
जो क्वालिटी है, जो आपको कंफर्ट है, वो इंक्रीज कर दिए गए, बहुत अच्छा कर दिए गए। रेयर में आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, वो जो कि उस तरफ दे रखी है। अगर मैं आपके रेयर टायर की बात करूँ तो 120x80 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आता है MRF Zephyr की तरफ से। या जो इसका ये क्रोम फिनिश वाला जो साइलेंसर है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसको भी पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, वहाँ से भी पूरी तरीके से कवर कर दिया गया। यानी इसका मतलब है अगर आपको गलती से भी पैर टच हो जाता है तो आपको कोई भी बर्न फील नहीं होने वाला है। ओपन चेन सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल जाता है, इसका मतलब है कि आपको हर 400-500 किलोमीटर पर चेन को न्यूब करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आपको बाइक का मेंटेनेंस जरूर करना चाहिए। अगर आप एक इतनी प्यारी इतनी कॉस्टली बाइक परचेज कर रहे हो तो आपको उसकी मेंटेनेंस जरूर से करनी चाहिए। बॉक्स शेप स्विंग आर्म आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। वैसे भी बाइक का जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे या फिर आप इसको नॉर्मल सिटी में कम्यूट कर रहे हो, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बाइक के रियर डिस्क के बारे में, तो आपको 240mm की डिस्क देखने को मिल जाती है, जिसकी जो ब्रेकिंग बाइट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है, क्योंकि ये ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं बाइबरी की तरफ से, यानी बाय ब्रेम्बो की तरफ से आपको ये ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। अगेन जो अलॉय की डिज़ाइन दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन दे रखी है। सारी गार्ड आपको देखने को मिल जाता है बाइक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। मैं इसको पूरी ताकत से हिला रहा हूँ, बट अच्छी खासी क्वालिटी का दिया हुआ है। पूरा ये कवर कर लेता है, यहाँ से लेके पूरा ये सेक्शन कवर करता है। जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनको भी क्रोम फिनिश में दिया गया है, यानी कि जो बाइक की डिटेलिंग है पूरी अच्छी तरीके से, हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लासिक 350 की बैचिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये क्लासिक मॉडल है। जो मैं पर्टिकुलर कलर जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है गन मेटल ग्रे। अच्छी बात है यार, ये कलर बहुत प्यारा लगता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये कलर है। 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। अगर 6-speed का होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, बट 5-speed का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाईवे पे लेके जा रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बाइक स्ट्रेस ले रही है, बाइक को स्ट्रेस हो रहा है, स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है। जैसे कि आपको पता है कि 350cc का इंजन है, यानी कि जो पावर है और जो टॉर्क है। बिल्कुल, इसको स्पेशल फीचर के बारे में बताऊं, जो कि BS6 में आने के बाद नया एड ऑन हुआ है, जो कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ से। इसका मतलब है अगर आपने बाइक स्टार्ट कर रखी है और आप इंजन आपका अगर आपने बाइक स्टार्ट कर रखी है और आपका स्टैंड साइड स्टैंड नीचे, आपने गियर डाल के जैसे आप बाइक को आगे चलाएंगे, बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाने वाली है। बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। अच्छी बात है कि अगर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, अगर आपको पावर मिल रही है तो आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये टैंक पैड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर माउंट कर दिया गया है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं वाली है। आपको काफ़ी अच्छा वाइड टैंक देखने को मिल जाता है बाइक का, बहुत अच्छा लुक है। बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो आपको बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं है, बट जो जितनी भी आपकी नीड वाली इन्फॉर्मेशन है वो सारी देखने को मिल जाती है। आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे यहाँ पे ये पूरी लाइट्स ऑन हो जाती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल का साइन आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाता है, और ये पूरी क्रोम फिनिश के साथ आता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, जो मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ को प्रीमियम रखने की कोशिश की गई है क्लासिक मॉडल में। यहाँ पे आपको ABS का साइन देखने को मिल जाता है, इसका मतलब है कि अगर आपका ABS वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, आपको पता चल जाएगा। लो फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, जो कि अभी इसमें ब्लिंक हो रहा है, यानी इसमें लो फ्यूल है। इंजन मान फंक्शन लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये बता देने वाला है। अगर स्विच गियर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्विच गियर इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पास लाइट देखने को मिल जाती है, हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, वहीं यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी तरफ आती है। अगर हम वहीं आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, और जो मिरर्स है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिए गए हैं। आपको क्रोम फिनिश के साथ ही मिरर्स मिल जाते हैं, जिनका जो व्यू आने वाला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है। रियर व्यू आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। क्लच आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिल जाता है बाइक में, काफ़ी सॉफ्ट है ये क्लच, अच्छी बात है। क्लच ज़्यादा हार्डर साइड पे नहीं रखा गया है, उस साइड आपको डिस्क ब्रेक की यूनिट देखने को मिल जाती है फ्रंट वाली। अगर मैं आपको फ्रंट से पूरा लुक दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है बाइक का लुक, एक रेट्रो टाइप लुक निकल के आता है। अगर आपको एक नेकेड सेगमेंट में एक बिल्कुल बिग बॉय टॉय वाली फीलिंग लेनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग लेनी है, तो आप इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ टैंक कैपेसिटी के बारे में, आपको 11 लीटर का टैंक मिल जाता है बाइक में देखने को, काफ़ी अच्छी रेंज आपको प्रोवाइड कर देने वाला है। अराउंड 40-45 km/h का माइलेज आपको ये बाइक दे देगी, तो आप इजीली इस पर टूरिंग करिए, आप इजीली इस पर सिटी राइड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हीटिंग इशूज़ थोड़े बहुत आपको स्टार्टिंग में हो सकते हैं, बट एंड में आपको कोई भी हीटिंग इशूज़ नहीं होने वाले हैं। अगर रेयर से देखा जाए तो ये लाइट काफ़ी प्रीमियम लुक दे देती है। अगेन आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और जो रेयर का टायर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर आप इसको बैक से लुक लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ये लुक बहुत अच्छा मिलता है बाइक का। अगर वहीं अगर आप पीछे वाली सीट हटा दो तो और भी ज़्यादा रेट्रो लुक दे देती है बाइक, बहुत अच्छी लगती है।
देखने में भी क्रोम का काफी ज्यादा यूज किया गया है बाइक में, जो कि बाइक को शाइनी बनाता है, बाइक को अट्रैक्टिव बनाता है, अच्छी बात है। बट इस क्रोम का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको इस पर पॉलिश करके सब कुछ बाइक को क्लीन रखना पड़ेगा, तो ये अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने अभी लाइट ऑन करके दिखा दिए, लाइट्स ऑन है अभी बाइक की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। नाइट विजन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाने वाला है, जो कि आपको पता है बुलेट की लाइट तो हमेशा से अच्छी आती है, विजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे देती है, चाहे नाइट हो चाहे आपको कैसे भी चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, आप नॉर्मल सिटी में कम्यूट कर रहे हो, विजन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अगर मैं बताऊँ आपको इसके एक और स्पेशल फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिल जाता है, ग्रिप रेल देखने को मिल जाती है पकड़ने वाली, ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर इस साइड पर ही देखने को मिलती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिलती है। अभी क्यों देखने को मिलती है उसका रीज़न मैं बता दूँ, जैसे कि आपको पता है बुलेट में कोई भी फाइबर का यूज़ नहीं होता है, पर्टिकुलर पूरे मेटल का यूज़ होता है, तो जो बाइक का वेट है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो साइड स्टैंड जो मेन स्टैंड उसको लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको वो जो हुक दे रखा है उसको आप इजीली ग्रैब करके आप इसको मेन स्टैंड पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। जो सीट दे रखी है उनका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रखा है, जो ये लुक दे देती है सीट, इस कलर पे ये सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाती है वाइट कलर में, जो कंफर्ट है सीट का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दे रखा है, चाहे राइडर हो चाहे प्लेन हो, आप इसको लॉन्ग राइड पर भी लेके जा रहे हो, आप शॉर्ट राइड पर सिटी में कम्यूट कर रहे हो, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। एक और स्पेशल फीचर के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है जैसी आपकी बाइक 45 डिग्री से नीचे टिल्ट होगी, आप ज़्यादा एक तरीके से अगर आप बाइक लेके नीचे गिर गए हो तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाने वाली, यानी जो बाइक का इग्निशन है वो अपने आप, सारे फीचर्स है वो आपको पूरे पूरे दिए गए हैं। आपको फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं अच्छे, रियर में आपको गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। आपको सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है, आपको पावर देखने को मिल जाती है, आपको लुक्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पूरी परफेक्ट बाइक है। BS6 नॉर्म्स के साथ आ चुकी है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको और क्या चाहिए एक बाइक से, आपको हर एक वो फीचर एक रेट्रो लुक के साथ, एक आपको जो ओल्ड लुक चाहिए वो आपको देखने को मिल जाता है, और जो नए ज़माने के फीचर्स है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये बाइक, हर एक चीज़ का, फीचर्स का भी, लुक्स का भी, डिज़ाइन। बाइक की प्राइस के बारे में, तो जैसे कि आपको पता होगा ये शोरूम टू शोरूम वैसे तो वेरी करता है ऑन रोड प्राइस, तो मैं आपको इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस बताने वाला हूँ, जो मैं पर्टिकुलर जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये आता है अलॉय व्हील्स के साथ, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 181,327 रुपीज़ एक्स शोरूम। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके स्पोक वेरियंट के बारे में, जिसमें आपको अलॉयज देखने को नहीं मिलते, उसमें आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो आता है 169,617 रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड प्राइस है, आपसे ज़्यादा पैसे कुछ भी नहीं लिए जा रहे हैं, एक रुपया आपसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, यानी कि जो पावर आपको देखने को मिल रही है, जो लुक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर बाइक पसंद आई हो तो ज़रूर से बुक करिएगा, एड्रेस और नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पे दिखा दिया था, तो ज़रूर से बुक करिएगा, ज़रूर से बाय करिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छी रेट्रो टाइप लुक और एक क्लासिक बाइक आपको नहीं मिलने वाली है। ज़रूर से बाय करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और देखते रहिए आर्य ब्लॉग्स।